गाइज वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आरडी ब्लॉग्स। तो आज है दिन 9 मार्च और आज है होलिका दहन और आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस कलरफुल फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाओ आप। अभी तो मैं जा रहा हूँ फटाफट से होलिका दहन में। मम्मी तो है नहीं घर पर, तो मैं आज खुद से ही जा रहा हूँ। वहाँ पर पूजा वगैरह होती है तो मैं वहाँ जाऊँगा। अभी आपको मैं फुटेज अभी दिखाऊँगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि कल 10 मार्च है तो मेरे छोटे जीजू का बर्थडे भी है, तो वहाँ पे भी सेलिब्रेशन होगा। रात के 12 बजे दीदी कर रही है सरप्राइज़ प्लान कुछ, तो शायद मैं वहाँ नहीं रहूँगा रात को, तो दीदी ही करेगी कुछ, तो फिर वो भी इंजॉय करेंगे। और कल होली है तो बहुत सारी मस्ती करेंगे। तो मैं अभी चलता हूँ फटाफट से होलिका के दहन में, मेरे घर के बगल में ही होता है, और फिर मैं आपसे मिलूँगा मॉर्निंग को, होली मनाएंगे फिर साथ में। तो चलते हैं फटाफट से। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी दिन के बज रहे हैं 10 और मैं 7 बजे ही उठ गया था, लेकिन अब तक मैं घर में हूँ। बैठे बैठे मैं पबजी खेल रहा था, तो अभी तक वो होली वाली वाइफ नहीं आई है। और मेरे जीजू का आज बर्थडे भी है, तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी छोटी बहन के घर में थोड़ा सा वहाँ सेलिब्रेशन करने, फिर बाहर निकलेंगे और देखते हैं। मस्ती तो आने वाला है, लेकिन अभी तक सब नॉर्मल सा दिन जा रहा है। और क्योंकि आज होली है तो किसी को मना भी नहीं कर सकते, तो मैं पूरा ब्लॉगिंग सेटअप तो लेकर नहीं जाऊँगा, वरना भीग गया तो गया मेरा सारा सामान। तो फटाफट से नीचे चलते हैं, बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं नीचे, तो मैं भी इंजॉय करूँगा। अभी शक्ल तो सीधा साधा साफ सुथरा दिख रहा है। मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलूँगा, तो पता नहीं मेरा शक्ल का क्या होने वाला है। तो एनीवेज होली है, आप सबको फिर से एक बार हैप्पी होली, और चलते हैं नीचे इंजॉय करते हैं। तो यार अभी निकल चुके हैं, अभी नीचे मैं जा रहा हूँ अपनी दीदी घर। इस ब्लॉग में शायद आपको आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मैं माइक नहीं लगाया हूँ क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और ये देखो बच्चे लोग खेल रहे हैं, मैं मिलाता हूँ इससे। बोलो हैप्पी होली, हैप्पी होली। सबको होली इंजॉय करें अपने अपने तरीके से। ये लो देखो, सब अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे हैं होली। चरण दिख रहा है उसका, हैप्पी फोकस मत कर भाई। कालू कालू हैप्पी होली डालने के लिए देखो औरत बन के घूम रहा है होली पे। पूरा होली होली मनाया जा रहा है। सकल प्रीत रवि भगत का देखिए, बोला था होली नहीं खेलेगा। तो होली हम लोग मना रहे अच्छे से, देख सकते हो क्या हाल हो गया है। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, फटाफट से जाएंगे अभी अंदर मेन टाउन, वहाँ देखते क्या होने वाला है। और ये देखो शुभम को पूरा लेडीज बन के घूम रहा है, कोई पार्ट नहीं छोड़ा है बॉडी का, कोई पार्ट नहीं छोड़ा है ये लोग। अभी तो बहुत मस्ती आने वाला है, दोपहर को मस्ती करेंगे। ये भाई साहब चिकन मोमो खाते हुए होली में, हैप्पी होली। होली में ध्यान रखिए कि इन लोगों को आप नुकसान ना पहुँचाएं, इन लोग पे कलर ना लगाए, बहुत इनोसेंट होते हैं इन लोगों को, कुछ नहीं मालूम होता है। बाद में इन लोगों को बहुत इचिंग होता है रंग का, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। देखो मेरा शक्ल देखो और छेदी का शक्ल देखो, इंडियन और क्या बोलूं मैं अब। देखो ये एक्चुअली होली नहीं खेल सकता, इसलिए ये होली नहीं मना रहे, तो बहुत ज़्यादा होली खेलते हैं हम लोग साथ में। अब तो थोड़ा मार्केट घूमेंगे, दीदी के घर में होली खेल लिया। वैसे मैं कब से ढूंढ रहा था ऐसा कुछ फुटेज मिल जाए। ये देखिए होली का असर, नेचर के नीचे आराम से होली खेल के मज मस्त होके सोए हुए, ये पूरा भांग का असर है। दो प्राणी मुझे दिखे अभी तक, और मेरा दोस्त प्रोप्राइटर रवि भगत दुकानदारी करते हुए आज के दिन भी अंकल का विश कर दिए, हैप्पी होली अंकल। ये लोग बच्चे लोग बहुत अच्छे से होली एंजॉय कर रहे हैं, हम भी ऐसे करते थे।
रास्ते में जो आते थे उसको होली में रंग लगाते थे। ये वाला मोमेंट को भी मैं इंजॉय कर रहा हूँ। ये मेरे बस्ती में सब बच्चे लोग सब होली इंजॉय कर रहे हैं। नीचे 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 तो ऊपर नहीं नीचे। और ये होली में घूमते घूमते हमारा तेल खत्म हो गया तो रवि भगत इसको टो कर रहे हैं। नहाने के बाद भी शकल का यही हाल है। अभी हूँ मैं अपने दोस्त के दुकान में, बहुत नींद आ रही है, बस चाय पीने आया हूँ। और बस होली मेरा ऐसे ही नॉर्मल भी था, बोरिंग सा, कुछ खास किया नहीं। मैं अपने पिछले साल का होली को याद कर रहा था, वो वाला मोमेंट को मिस कर रहा था। सब दोस्त लोग साथ इकट्ठे थे, मस्ती किए थे, मतलब वेल्ले मारे थे, वो सब कुछ भी नहीं हुआ। बस नॉर्मल सा गया घर में, मम्मी भी नहीं थी, कुछ खास बना भी नहीं था। बस इतना ही, मैं इस ब्लॉग को ये एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पसंद आया वीडियो तो लाइक करना। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।